हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मंगलुरु जंक्शन में आया हूँ। तो ये मैं स्टेशन का आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। जैसे आप देख सकते हैं, ये स्टेशन, यहाँ पे बस तीन ही प्लेटफॉर्म है। वैसे तो एंट्री से दो ही लगता है, बट तीसरा प्लेटफॉर्म भी है इधर। और इसका जो एग्जिट है प्लेटफॉर्म का, वो एक ही तरफ है। जैसे आप कोई भी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो मतलब जैसे दो तीन पांच प्लेटफॉर्म है, तो एक तरफ से एक नंबर प्लेटफॉर्म से एग्जिट होता है, एक पांच नंबर से होता है। बट यहाँ पे एक ही नंबर प्लेटफॉर्म से एग्जिट होता है, दूसरी तरफ बाहर जाने का रास्ता नहीं है, बंद है। तो ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ से स्टेशन से बस स्टैंड जो है वो 500 मीटर पे अगर आप जाओगे, तो यहाँ से एक ही तरफ से एग्जिट है, तो आराम से वही रास्ता है। तो 500 मीटर पे आपको एग्जिट मिल जाएगा और वहां पे बस मिल जाएगी आपको। तो और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, मैं पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे ये मैंगलुरु जंक्शन है, एक और प्लेट स्टेशन है मैंगलुरु सेंट्रल, वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर होगा। तो ये मतलब वो सेंट्रल जो है वो सिटी के बीच में है, और ये जंक्शन थोड़ा बाहर में है। तो सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है वो डेड एंड स्टेशन है, तो सारी ट्रेन वहाँ से क्रॉस नहीं होती। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है उसको सीधा सीधा जाना होता है, तो वो जंक्शन होके निकल जाती है। और लेकिन बहुत सारी ट्रेन जंक्शन सेंट्रल में भी आते हैं, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो मैं बस आपको बता रहा था। यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है मैंगलुरु यशवंतपुर कारवार, और ये मुझे लगता है बीच बीच वाले ट्रैक पे खड़ी है। तो और कुछ होता है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गुड्स वाला, जो मालगाड़ी बोलते हैं, वो वाली ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे कभी भी आते हैं या यहाँ से आप चढ़ते हैं या ट्रेन पकड़ते हैं, तो यहाँ पे एक ऑटो का एक नियम है कि आपको टोकन लेना पड़ता है, और यहाँ का ऑटो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है। यहाँ पे एक लिफ्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे। तो आपको अगर प्लेटफॉर्म फर्स्ट से सेकेंड या थर्ड आना है, तो आप लिफ्ट का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास हैवी लगेज है। मैं लिफ्ट के अंदर आ गया हूँ, और ये लिफ्ट एक ही तरफ से खुलता है, बाकी से मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप मैंगलुरु जंक्शन आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे बस मतलब बहुत कम लोग आते हैं बस से, और यहाँ का जो ऑटो है वो थोड़ा महंगा है बाकी जगह से। और ऑटो का आपको टोकन लेना पड़ता है पहले, फिर आपको ऑटो मिलेगा। तो यहाँ पे लोग लाइन में लग जाते हैं और ऑटो का टोकन लेके और ऑटो से जाते हैं। तो नाइट चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे मैं आया था तो मेरा 8 से 9 किलोमीटर था, तो 300 रुपये लगे थे 8 से 900 किलोमीटर के लिए। यहाँ पे मैंगलोर में अगर ऑटो ले रहे हैं आप, तो वैसे मैं एक बार आया था, सुबह ही था, तो 6 किलोमीटर के लिए मुझे लाइक 2180 देना पड़ गया था। तो यहाँ का ऑटो का चार्जेस ज़्यादा है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है मैंगलोर। यहाँ पे सी बीचेस है। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर ही पार्किंग है, और यहाँ पे ऑटो स्टैंड भी है। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये रिटायरिंग रूम है, और इसी के जस्ट बगल में वेटिंग हॉल है। और मैं आप हेलो फ्रेंड्स, ये वेटिंग हॉल के अंदर का है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉशरूम है। और यहाँ के खिड़की से बाहर आपको दिख जाएगा, वहाँ पे ऑटो स्टैंड है बाहर में ही। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है, और यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं।
और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन का नंबर और नाम डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे इंक्वायरी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर जाते ही प्लेटफॉर्म 1 है, और यहाँ स्क्रीन पे ट्रेन। और अगर आपको खाना लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये कैटरिंग है, यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग है स्टेशन के बाहर ही, तो मैं बाहर आ गया हूँ, जस्ट बाहर पार्किंग है और यहाँ पे मैंने पार्क किया है। और यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, वैसे कोई देखने के लिए कोई है नहीं और किसी ने पैसे भी नहीं लिए।